क्या देखा तुम्हें? माफी शहजादी, आपका तोहफा। लौटाने का मतलब? जितनी बार मुस्तकबिल में झांक कर देखा है, सिर्फ एक चीज नजर आई है। क्या? क्या सच कहने की इजाजत है? इजाजत है। जहां पे ना, आप इस महल को छोड़कर कहीं दूर भाग जाइए, फतेहपुर से बहुत दूर। तुमने क्या देखा नजूमी? शहजादी का कत्ल। अगर आप यहां रुकेंगी तो फतेहपुर भी गिरेगा और ताज भी। आगरा भी? आगरा भी हफ्ते भर में। जापना, बस अभी पैगाम है। इजाजत? इजाजत। आलमगढ़ गिरा, 40,000 आदमी, 20,000 घोड़े, 600 हाथी, 4 दिन में फतेहपुर। और नहीं, बस। तो आप जा सकते हैं। तुम बोलो ना जुमी, क्या शहजादी को यकीन नहीं है? मुझे एक बात बताओ ना जुमी, क्या तुम्हें अपनी तकदीर नहीं दिखती? मैं नहीं देखती। क्या एक शहजादी का भाग जाना मुनासिब है? जिस तरह ताज का गिरना मुनासिब नहीं। तुम हमसे क्यों सच कहोगे? माफी चाहती हूँ जापना, पर आज तक जो भी मैंने देखा है, जो भी आपसे कहा है, वही हुआ है। पर क्या तुम्हें अपनी मौत की करीबी महसूस नहीं होती? क्या आज वो दिन है? मेरे जाने की तैयारी करो। हुकुम। इबलीस इस नजूमी को ख़त्म कर दो। इसने हमारा तोहफा लौटाया है। देखना मौत के वक्त उंगली पर हो। हुकुम। पर मैंने आपसे सच कहा था, आपने इजाजत दी थी। हम हमेशा सोचते थे कि जब वक्त आएगा, क्या तुम देख पाओगी? कहीं
उड़ तो नहीं जाओगी? हम जानते हैं कि फतेहपुर गिरेगा, हम चाहते हैं गिरे, हम चाहते हैं कि आगरा गिरे, ताज भी, पर उस वक्त तुम जैसी ज़हीन नजूमी ना ही अफगानी लश्कर के पास और ना हमारे अब्बू के हाथों में दुरुस्त रहेगी। मैं आपकी मदद कर सकती थी। थी देख ली तकदीर, देख ली